अस्सलामु अलैकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, घर पे सेफ होंगे। एज यू कैन सी के आम रूटीन की तरह मैं अपने घर में नहीं खड़ा, या मैं किसी रेस्टोरेंट के बाहर नहीं खड़ा, या मैं किसी और स्पॉट में नहीं खड़ा, मैं इवन के अपने शहर में भी नहीं हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड के आज मेरे एक कज़न की जो है वो एंगेजमेंट है, जो कह रहते हैं इस्लामाबाद। और हुआ क्या कि पूरा खानदान जो है वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं इस्लामाबाद। कब के? सुबह के तकरीबन, कोई निकला 4 बजे और कोई निकला 8 बजे, मेरा ख्याल है 7:30-8 बजे। जब मैं उठा तो मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम आ रहे हो? मैंने कहा जी मैंने मतलब लोकली तो मैं नहीं आ रहा, और प्राइवेटली कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि सब तो जा चुके हैं, गाड़ियाँ हमारी जा चुकी हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा मेरा भी कंफर्म नहीं है कि मैं आता हूँ कि नहीं आता। दैन सडनली मुझे कॉल आती है कि जी स्पीकर्स का कहा था आपको, आपसे वो काम नहीं हुआ, स्पीकर्स आपने भिजवाए नहीं। तो मैंने कहा यार स्पीकर्स वाली ज़िम्मेदारी आपने मेरे पे डाली थी, मैंने वो रखे हुए थे, लेकिन अब आप लोग जो यहाँ सियालकोट से गए हैं वो नहीं लेके जा रहे, नहीं लेके गए, भूल गए, तो मेरा क्या कसूर है। खैर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्पीकर्स बांधूँ अपनी गाड़ी पे और मैं एक सरप्राइज़ विज़िट करता हूँ अपने कज़न को। गाड़ी से मुराद मेरा ये है कि बांधने से मुराद ये है कि ये जो है मैंने इसको बांधा ही हुआ ना एक तरह से बैग के अंदर। तो बेसिकली इसके अंदर जो है स्पीकर्स हैं और मेरे कपड़े हैं। कपड़ों में माशाल्लाह क्या क्या मैं लेके आया हूँ जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दी जल्दी में पैकिंग की, तो 2 जीन्स की पैंट्स हैं और एक शलवार कमीज़ है, और टी शर्ट नहीं मैं लेके आया। देखो मेरी माशाल्लाह 6 पैक्स एब्स हैं और बॉडी बहुत है ना, तो टी शर्ट पहनने की ज़रूरत ही नहीं, वो मैंने रखी ही नहीं। मुझे शक है कि शायद गलती से एक मैंने रखी हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर। मुझे यही लग रहा है कि मैंने 2 जीन्स की पैंट्स रखी हैं, शलवार कमीज रखी है, और टी शर्ट या शर्ट रखना भूल गया। खैर तो अभी जो है मुझे ये भी नहीं पता कि जो इंगेजमेंट सेरेमनी है वो कितने बजे है, 12 बजे है, 1 बजे है, 2 बजे है, आई हैव नो आइडिया कि वो कितने बजे है। बहरहाल मैं घर से निकला 9 बजे, जाके थोड़ा सा बाइक को साफ सूफ करवाया, लाइक उसका प्लग्स वगैरह चेक करवाए, एयर फिल्टर चेक करवाया, चेन उसकी ऑयलिंग करवाई, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो कह लें कि 9:30 बजे मैं सियालकोट से निकला हूँ, और इस वक्त बज रहे हैं 11, और राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन खारियाँ कैंट। तो टाइम बहुत शॉर्ट है, मुझे एटलीस्ट 12 बजे तक पहुँचना है। तो मुझे नहीं पता कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू रीच रावलपिंडी इन 2 hours and 30 minutes, बट आई एम ट्राइंग टू रीच ओवर देयर विद इन 2 hours and 30 minutes। तो अभी जो है 11 बज चुके हैं, और यानी कि 9:30 बजे मैं निकला हूँ। तो शहर तो वैसे ही बड़ा टाइम ले लेता है, शहर से निकलते 9:30, 10:30, 11:30, वॉट नो वेट अ सेकेंड, 9:30 से 10:30, 1 घंटा, 11:30, 2 घंटे, और 12 बजे, 2.5 घंटे। तो आई एम ट्राइंग के मैक्सिमम 12 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन शायद पॉसिबिलिटीज़ हैं कि शायद मैं 12:30 बजे तक रावलपिंडी में जो है वो पहुंच जाऊंगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ आई शुड कंटिन्यू माय जर्नी। बेसिकली आई वाज हियर टू रिफिल माय फ्यूल टैंक इसका, और नाउ आई शुड लीव बिकॉज टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। गाइज़ आई थिंक इसके टाइम जो है ना 11:30 हो चुके हैं, सो आई थिंक के टाइम थोड़ा सा जो है वो लग जाएगा। तो जल्दबाजी करने का क्या फ़ायदा, थोड़ा सा हम रुक के जो है ना पानी पी लेते हैं, ठीक है, तब हम करेंगे थोड़ी सी वाटर ब्रेक, और फिर दोबारा से हम सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे आई एम राइट नाउ जहलम से आगे। तो जी ब्रेक टाइम इज़ ओवर, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जर्नी अगेन। तो अब आपको जो है ना वहाँ पहुँच के जो है ना मैं अब अपडेट करूँगा। सो
बाय बाय। फाइनली गाइस, टाइम 1 बजता है और आई वॉज थिंकिंग के मैं 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बट व्हाट हैपेंड कि जो मैंने बीच में ब्रेक लिए ना, उन्होंने थोड़ा सा मुझे लेट किया है। अदरवाइज आई वॉज सपोज टू रीच एट 12:30, बट स्टिल टाइम से मैं अराउंड 1:00 जो है, ओके हाँ 2 मिनट रह गए 1 बजने में, तो मैं थिएटर में एंटर हो चुका हूँ एंड आई एम जस्ट एट माई कजन होम विद इन 5 मिनट्स। अब आई एम थिंकिंग कि मैं उनको किस तरह से प्राइस करूँ, दैट्स व्हाट आई कैन नॉट शो यू। तो अगर तो आगे कोई चीज होगी तो आई शेयर इट विद यू गाइस, वरना आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ तक। तो जी बात यह कि मैं यहाँ पहुँच गया था, ये है मेरा कज़न जिसको शायद आपने पहले भी देखा होगा मेरे मरी वाले व्लॉग में जो कि लास्ट ईयर था। तो एंगेजमेंट इज स्टिल गोइंग ऑन और अब है बारी खाने, और खाने में हमारे पास क्या क्या है ये सारी चीज़ें। तो अब हम जो है ज़रा खाना खा लें, फिर मैं बताऊँगा क्या क्या है। और यहाँ पर जो है वो एक सेकेंड थोड़ा सा मेरा रास्ता देना, तो बोले गर्म बारबेक्यू क्या। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे और क्या कुछ बन रहा है, क्योंकि मैं तो आया ही बहुत लेट था एंड सुबह से सारी तैयारियाँ हो रही थी जो कि मैंने नहीं देखी, सो स्टिल नीड टू फिगर इट आउट। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, एंगेजमेंट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लाइक मतलब खाना शाना और जो भी होता है वो फंक्शन सब ख़त्म हो चुका है। और मौसम तो देखें, हवा चल रही, ओहो गुड मौसम। एंड राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन DHA जिसकी जो रोड्स हैं वो इस तरह की हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन कि मैं यहाँ पे चल चल के जो है ना वो किसी बहाने ही पतला हो जाऊँगा। और ये मेरे सामने है गीगा मॉल, दिस वन। तो जी एज यू कैन सी के मौसम काफ़ी अच्छा है, आई थिंक यू कैन नॉट सी बट नाउ यू कैन सी। और मेरे पीछे ये हैं जी पहाड़ियाँ फिर, और ऊपर हैं जी घने बादल बिकॉज इट इज़ रेनिंग। और मौसम आज इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है, शायद रोज़ ही अच्छा होता होगा पर आज मेरी वजह से अच्छा है शायद। तो जी आज का जो हमारा दिन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गुजरा और सेफ एंड साउंड हम लोग पहुंच गए इस्लामाबाद, और हमने जो हमारा इवेंट था फंक्शन था वो हमने अटेंड किया था। और अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद की सुनसान गलियों के चक्कर लगा रहा हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो हमारा यहाँ तक ही है, हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अच्छे से कमेंट्स करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह।